कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस घटना की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और मुख्य आरोपी संजय रॉय से कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है। आज का दिन इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई में अदालत ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की थी और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की स्टेटस रिपोर्ट जमा करेगी जिसमें अब तक की जाँच की प्रगति का विवरण होगा। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस जघन्य अपराध में संजय रॉय अकेला आरोपी है या इनमें और लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुरिता पॉल को भी उसके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह मानस कुमार बांधोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सीआईएसएफ के 150 जवानों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात किया गया है ताकि अस्पताल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और उनकी बेटी सना गांगुली ने भी इस मामले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गांगुली ने मोमबत्ती जलाकर पीड़ित के लिए न्याय की मांग की। सना गांगुली ने कहा, हमें न्याय चाहिए, इसे रोकना होगा। हम हर दिन दुष्कर्म की घटनाओं के बारे में सुनते हैं और यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 2024 में भी ऐसा हो रहा है। गांगुली की पत्नी डोना ने भी समाज में सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना में पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली से सीधे यहाँ आकर पीड़िता के माता पिता से मिला और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जिन्हें मैं गोपनीय रखूंगा और मुख्यमंत्री को सीलबंद लिफाफे में भेजूंगा। इस मामले के बाद आरजीकर के एक पूर्व उप अधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोष के कार्यकाल के दौरान अस्पताल में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। इस याचिका पर इस सप्ताह के अंत में सुनवाई होने की संभावना है।